अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अफरोज़ किचन के स्टाइल में पापलेट रस्सा। तो वहाँ पर उनके चैनल पर अपलोड है बांगड़ा रस्सा की रेसिपी, तो मैंने वही रेसिपी को बिल्कुल ट्राई किया है और मैंने फ़िश जो है वो पापलेट यूज़ की है। तो चलिए मसाला देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 देसी टमाटर, 1 छोटा प्याज और नारियल लिया है मैंने 1 टुकड़ा, ये गीला नारियल है। साथ ही में मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता और कोथमीर ले लूँगी 1 मुट्ठी जितना। साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ले लूँगी 2 चम्मच और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल फाइन पेस्ट। पानी बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं करना है और इसी में हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तेल। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी राई। तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच जो है वो राई ऐड कर दूँगी, जिससे ये जो रस्सा है बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसमें आता है और अच्छी सी एक जो इसकी जो खुशबू है वो पूरे सालन में आती है। और ये जो मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था ये इसमें ऐड कर देंगे। तो बस मसाले को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से भून लेना है। तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट तक इस मसाले को लो गैस पर भूनना है। बिल्कुल फास्ट मत कीजिए गैस को, लो फ्लेम पर ही इसे चलाते चलाते आप भूनिए। इसमें जो नारियल है वो चिपकने लगता है, इसीलिए फास्ट गैस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अभी से हमने ढक दिया है 5 मिनट के लिए और बस 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये जो मसाला है वो भुनना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं लगेंगे, बहुत सिंपल मसालों के साथ लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये रस्सा जो है वो बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं आप, हमने अभी इसमें सारे पाउडर मसाले भी मिक्स कर दिए और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और चलाना है। तो बस अभी हम इसको बिल्कुल लो गैस पर रखेंगे और इसे भूनते हुए हम 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में से चलाते रहेंगे ताकि ये जो मसाला है वो नीचे बिल्कुल चिपके ना। तो बस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हम ये जो साइड में भी लग रहा है उसे भी हम छुड़ा रहे हैं ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल जले नहीं, चिपके नहीं और अच्छे से हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं आप, ये मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और बहुत अच्छे से भुन भी चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो थोड़ा सा ये रस्सा जो है वो पतला होता है, स्टीम राइस के साथ खाया जाता है, इसीलिए ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा पतला रखूँगी रस्से जैसा। तो मैं यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी और बस पानी को मैं जोश आने दूँगी। बहुत ही टेस्टी खट्टा सा और बहुत अच्छा ये टैंगी सा एक जो है वो रस्सा बनकर तैयार होता है और जो स्टीम राइस के साथ या फिर चावल की रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर इसे घर में ट्राई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं पानी में इसमें जो है उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोकम। कोकम मैं 3 से 4 ऐड करूंगी जिससे इसकी खटास आ जाए और बहुत ही अच्छे से सालन में जो है वो इसका फ्लेवर भी आ जाए। तो अच्छे से देख सकते हैं आप, इसमें जोश आना शुरू हो चुका है। तो मैंने 3-4 कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा हिला लूँगी और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारी फ़िश। तो फ़िश मैं यहाँ पर पापलेट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें हलवा फ़िश यूज़ कर सकते हैं, बोमिल फ़िश यूज़ कर सकते हैं या फिर बांगड़ा फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस फ़िश को हमने इसमें ऐड कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ़िश को डालने के बाद ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाना है वरना फ़िश जो है वो अंदर टूटने लगेगी। बस बिल्कुल हल्का सा एक या दो बार घुमा ले इसे और इसे हम ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए
और बिल्कुल भाप में ही जो है वो फिश गल जाती है, ज़्यादा इसे पकाना नहीं पड़ता है। तो बस देख सकते हैं आप, मैंने जो है गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है और इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी और हमारा फिश का जो है वो रस्सा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।